नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। घटिया तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रुई में सीलिंग की 115 बीघा जमीन पर कब्जा हटाने रविवार सुबह एसडीएम गोविंद दुबे, सीएसपी अश्विनी कुमार नेगी और 5 थानों का बल राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण पर बोई गई गेहूं की फसल को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस दौरान गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जमीन पर गांव के ही पटेल का लगभग 50 वर्षों से कब्जा चल रहा था, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। प्रशासन के पक्ष में फैसला आने के बाद आज जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण से हटा दिया है। वहीं कब्जाधारी पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि पटवारी संजय शर्मा द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन नहीं दे पाने पर यह कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी सोयाबीन की फसल काटने के 2 लाख रुपए लिए थे। ये घटिया तहसील के रुई गांव का मामला है। यहां पे सीलिंग की जमीन जो शासन के पक्ष में हो चुकी है, करीब 100 बीघा की जमीन है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जो है शासन के पक्ष में आदेश हो चुका है, जिस पे कब्जा लेने के लिए पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम यहां पर पहुंची है और विधिवत कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। ये करीब 100 बीघा जमीन है जिस पर फसल वो के अतिक्रमण किया गया है, जिसको जो है मुक्त कराते हुए शासन अपने पक्ष में कब्जा ले रहा है। सर, ये अन्य जगह का इस प्रकार से कार्रवाई निरंतर की जाएगी और क्या रहेगा? ये मुहिम के तौर पर लगातार ऐसे मामले चिन्हित किए जाएंगे, जहां पे भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण पाए जाएंगे उनको चिन्हित करके विधिवत उस पर कब्जा लेने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कितना बल मौजूद है आज कार्रवाई हटाने को? आज ये जो लगभग 100 बीघे का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से 6 थानों के लगभग 50 लोग हैं। 50 लोगों का बल है, जिसमें महिला बल भी है, पुरुष बल भी है। सर, ये कहाँ पर हटाया जा रहा है और किस प्रकार से क्या है? ये ग्राम रुई में है और जहाँ तक मुझे जानकारी है या एसडीएम साहब ने बताया है कि ये अतिक्रमण है, तो प्रशासन के अमले के साथ मदद और सुरक्षा के भाव से हम हैं। सर, हटाने को लेकर कोई आपत्ति है बीच में? हटाने को लेकर अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, जो आ सकती थी, लेकिन लीगल कोई आपत्ति नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है। और किस प्रकार से आज आपको यहाँ पर आना पड़ा पीड़ित के साथ में? देखिए, ये जो पीड़ित पक्ष है, इनके पिता ने ये प्रॉपर्टी 18/11/1971 को रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कावेरी बाई नाम की महिला से खरीदी थी, और कावेरी बाई को ये जो संपत्ति है ये अपनी माता अमृता बाई से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। 1976 में शासन ने सीलिंग की कार्रवाई की। उस सीलिंग की कार्रवाई में शासन की तरफ से महत्वपूर्ण त्रुटि ये हुई है कि सर्वे नंबर का ही विवरण नहीं है। आज जिस सर्वे नंबर पर प्रशासन मनमानी कर रहा है, इनके साथ प्रशासन अति कर रहा है, प्रशासन के पास सर्वे नंबर का ही विवरण नहीं है कि किस सर्वे नंबर की ज़मीन उन्होंने सीलिंग में ली है। ये बहुत बड़ी इसमें गंभीर समस्या है। ना तो प्रशासन के पास हाईकोर्ट का आदेश है कब्जा लेने का, प्रशासन के पास सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है कब्जा लेने के संबंध में, और पीड़ित पक्ष की ओर से व्यवहार न्यायालय में दीवानी न्यायालय में कार्रवाई की है, और 14/10/2009 को माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 उज्जैन के न्यायालय ने इन सभी पक्षों को भूमि स्वामी घोषित किया है। उस भूमि स्वामी घोषित करने के बाद इनकी तरफ से नायब तहसीलदार टप्पा पान बिहार में नामांतरण की कार्रवाई भी चल रही। सीलिंग आदेश को चुनौती देते हुए इनकी तरफ से एक अपील अपर सत्र न्यायालय उज्जैन में विचाराधीन है। 3/12 पेशी भी नियत है। इन्होंने जो अवैध अतिक्रमण की जो गलत कार्रवाई की है, इसको लेके ने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में विक्रम की ओर से पिटीशन फाइल हो चुकी है, विक्रम आदि की ओर से पिटीशन फाइल हो चुकी है, अन्य पक्षकार की ओर से 2 दिन में और पिटीशन फाइल हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिव्यू पिटीशन 2 दिन में हमारी फाइल हो चुकी है, हो रही है। प्रशासन की जो कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही कार्रवाई हुई, पत्र उनको प्राप्त हुआ है प्रशासन को? सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा लेने का कोई आदेश नहीं दिया, मेरे पास वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी है, आपको उपलब्ध करा दूंगा। शासन के पक्ष में कब्जा लेने का सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, ये अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मार्च 2019 में संजय शर्मा पटवारी रमेश और संजय इन दोनों के पास आया कि 2 लाख रुपए तहसीलदार ने मंगवाए हैं,
हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनसे 2 लाख अग्रवाल ढाबे पर बुला के 2 लाख रुपए लिए, सोयाबीन की फसल में वही संजय शर्मा आया कि तहसीलदार पान बिहार ने 5 लाख रुपए की मांग की है, इन्होंने 5 लाख देने से मना कर दिया, तो उन्होंने ये कार्रवाई की और अनलीगल कार्रवाई है। ये शासन को 248 MPLRC के अंतर्गत फसल का कब्जा लेने का अधिकार नहीं है। ये बावड़ी जिसपे आप खड़े हैं 150 साल पुराना निर्माण है, बावड़ी बनी हुई है, निर्माणाधीन मकान का कब्जा लेने का अधिकार नहीं है 248 में। ये जो मकान बने 50 साल पुराने हैं, इन मकानों का कब्जा लेने का 248 में कहीं प्रावधान ही नहीं है। 248 की कार्रवाई में फसल का कब्जा नहीं ले सकते, पक्के निर्माणाधीन मकान का कब्जा नहीं ले सकते, 150 साल पुरानी बावड़ी का कब्जा नहीं ले सकते। तो शासन ये जो है आतताई कर रहा है, ये जो इनकी जो मानसिकता है इनको प्रताड़ित करना और इनसे अवैध वसूली करना। और इसीलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज तक इतने साल से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर 50 साल से काबिज है, खेती कर रहे हैं, आज तक प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले पैसे दिए हैं किसको दिए? कुछ ये संजय शर्मा को अग्रवाल ढाबे पे, संजय शर्मा रुई का पटवारी अग्रवाल ढाबे पर आया, रमेश और संजय ने 2 लाख दिए, फिर उसने कहा सोयाबीन की फसल में कि 5 लाख रुपए हर फसल में देना पड़ेंगे। जब इन चारों भाइयों ने 5-5 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो ये दुर्भावना से अवैध कार्रवाई की है। सरकार को बदनाम करने के लिए पटवारी तहसीलदार और SDO अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप अवलोकन करिए, कब्जा दिए जाने का कहीं भी कि आप जाके प्रशासन इनका कब्जा ले ले, ऐसा कहीं भी उस आदेश में लिखा हुआ नहीं है। और अपर आयुक्त के यहाँ अपील चल रही है इस जमीन को लेकर, आमंत्रण की कार्रवाई अपर तहसीलदार के यहाँ पेंडिंग है, चल रही है। और जिस भूमि के संबंध में अपर आयुक्त के यहाँ कार्रवाई चल रही है, जिस भूमि के संबंध में नामांतरण की कार्रवाई तहसीलदार पानबिहार के यहाँ चल रही है, जिस भूमि के संबंध में भूमि स्वामी सत्तु घोषणा का वाद इनके पक्ष में जयपत्र पारित हो चुका है, 248 की कार्रवाई नहीं चल सकती। ये पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, अनलीगल कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। और ये जो फसल की क्षतिपूर्ति की जो क्षति की है, इनकी भी नुकसानी का दावा हम हाईकोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम करें। गणेश रावल, एडवोकेट, बड़नगर। समय जगत के लिए घटिया उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।